सो हे गाइज, आई एम श्योर वेलकम बैक टू अवर चैनल श्योर नाउ। सो गाइज, आप तो जानते हो कि अभी अर्णव उसके घर में है, मैं अभी मामा जी के यहाँ पर आया हूँ। रीजन वगैरह तो आपने देखा है, पर फिर भी मैं फिर से बताना चाहता हूँ। एक्चुअली अर्णव की कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लम थे और मेरा भी कुछ पर्सनल काम पड़ा था, तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पर हूँ और वो वहाँ पर है। तो लगभग एक मंथ से भी आगे समय बीत चुका है और इन सब के दरमियान मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जहाँ पर मुझे हर बार एक एहसास हुआ कि जब कोई इंसान पास में होता है तब उसकी वैल्यू हमें ठीक से पता नहीं चलती, बट वो इंसान दूर होता है तो उसकी वैल्यू पता चलने लगती है। तो कभी कभी ऐसे मौके पे ना मुझे आरू की बहुत याद आती कि जहाँ पर मुझे समझने वाला सिर्फ आरू होता था, मेरे सगे भी नहीं थे। तो इस टाइम पे मुझे सच में बहुत अर्णव में मिस कर रहा हूँ और आई नो दैट कि आप भी बहुत अर्णव को मिस कर रहे हो, क्योंकि अर्णव बहुत दिन से आपको दिखा नहीं और ना ही आपने अर्णव की भाई सुनी है। तो गाइज, कुछ ऐसी यादें मैंने उस टाइम पे बना के रखी थी कि मुझे पता था जब मैं यहाँ पर आऊँगा शायद एक अच्छा समय आने के बाद मैं वो सारी यादों का पिटारा जो होता है वो आपके सामने खोलूंगा। तो यस, आज मैं वो यादों का पिटारा जो आरू का बचपन की कहानी जो आरू की जुबानी होने वाली है, तो बस आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। एक्चुअली जब हम आरू के मतलब आरू के मम्मी के बाद जो बहन थी मम्मी के बाद छोटी बहन, तो आरू की छोटी मासी जो होती छोटी मासी थी, तो उस टाइम पे आरू ने क्या किया था, मैं सो रहा था उस टाइम पे और आरू ने उसी टाइम पे मोबाइल लेके उस सारा शूट करके दिखाया था कि जब वो बचपन में उसकी मासी के यहाँ पर था तो वो कितनी सारी शैतानियाँ क्या करता था, कितने सारे कहाँ कहाँ उसने समय बिताया। तो वो सारी चीज़ें उसने, वो सारी बातें आपके साथ शेयर की, मतलब उस वीडियो में बताई है। तो जस्ट मैं अभी बैठा था तो आप देख सकते हो अभी लैपटॉप भी चालू है, तो बस मैंने उस टाइम मतलब वो सारी देखा, तो मैंने मुझे लगा कि क्यों ना वो सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करूं। तो अभी इसके बाद सारी चीज़ें आपको आरू बताएगा, क्योंकि आरू ने उस टाइम पे जो भी शूट किया है मैं अभी इसमें एडिट करके आगे दिखाऊंगा कि आरू ने क्या क्या उस टाइम पे बात की थी। तो वीडियो ज़रूर कंटिन्यूसली वॉच करना, और अभी तक आप चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का ये आरू स्पेशल ब्लॉग जो आरू की कहानी होगी, जो आरू की ही जुबानी होगी, तो वो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, गाइस आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। सी, हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। ये है हमारे जी मौसी जी का घर, कच्चा बहुत 40 साल पुराना घर है, ऐसा ही इनका घर। यहाँ पे मैं बहुत छोटा था तब आया करता था, बाद में मतलब बीच बीच में आया करता था। सो आज आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ। ये है मौसी जी हमारी खड़ी हुई है, मम्मी शायद बर्तन धुल रही है, दिखेगा नहीं पर कोई बात नहीं। ये है हमारा मौसी जी का घर जहाँ पे मैं बहुत पहले आया करता था। ये उनकी बकरियाँ हैं बहुत सारी। और गैस, उससे भी बड़ी बात क्या है, यहाँ से आप आओगे ना तो यहाँ पे जाके, अभी तो ये पानी बहुत खराब हो गया है, तालाब का पानी है, बट पहले इस पानी में मैं नहाया करता था, मैं और बहुत सारे मतलब पहले गांव मतलब कैसे हुआ करता था, पहले बहुत अच्छा लगता था ना ऐसे ये वाले पानी में। यहाँ से एक उतरने के लिए बना हुआ था, यहाँ से उतर के नहाया जाता, हम लोग यहाँ पे नहाते थे, मतलब कूद कूद के बहुत मजा आता था, बहुत 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 मजा आता था। ये नहाने का मेरी बहुत मतलब बहुत पुरानी याद है गाइस, आज से 10 या 12 साल पहले जब मैं आया करता था, बीच में भी आया था बट मैंने नहाना छोड़ दिया था। इस पानी में नहीं नहाता हूँ क्योंकि ये पानी बहुत गंदा हो चुका है, पहले ये पानी बहुत साफ हुआ करता था तो मैं नहाया करता था, इसमें बहुत मजा आता था। और इधर से ये रास्ता है ना, इधर से जाके उधर खेतों में, उधर देखो दूर दूर तक हरी हरी घास दिखाई दे रही है, वो एक्चुअली घास नहीं है, धान है वो, चावल। तो वहाँ पे मतलब खेत हुआ करता था, अभी तो धान लगा हुआ है। तो उधर हम मैं बकरियों को लेके जाता था बांधने के लिए, मौसी जी बोलती थी बकरियों को बांध दे, मैं लेके जाता था उनको बांधने के लिए। बहुत पुरानी यादें हैं गाइस, और आपको दिखाता हूँ मैं। ओ,
आपका ये जो पक्का घर दिख रहा है यहाँ पे सामने ये उनका एक है, क्या बोलते हैं इसको, आंगन। यहाँ पे ना मतलब टीवी हुआ करता था, तो हम सब यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग बैठ के यहाँ पे टीवी देखा करते थे इस घर में। और ये एक मंदिर है जो कि आगे का हिस्सा नया बना है, पहले इतना ही था। यहाँ पे हम लोग पहले बैठ के, बहुत सारे लोग, मैं, मेरे दोस्त लोग यहाँ पे बैठ के कैरम बोर्ड खेला करते थे। बहुत मजा आता था यहाँ पे कैरम बोर्ड खेलने में, मतलब बहुत 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 ज़्यादा मजा आता था। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे जो कि हम कैरम बोर्ड मिल के साथ में खेला करते थे। ये घर तो समझ लो गाइस ना, ये तो यहाँ पे हम लोग टीवी देखा करते थे, बहुत मजा आता था टीवी देखने में, मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त। ये देखो मौसी जी की इतनी सारी बकरियाँ, उनके घर का एक कुत्ता जो कि जंगली कुत्ता, मतलब पाला हुआ नहीं है, कहीं पे भी घूमते रहते। और ये है उनके खाने बनाने का जगह, कच्चा। ये मौसी जी को बोल रही वीडियो करो वीडियो। ये है हमारे दोनों दादाजी का घर। और ये ऐसे ही गांव में बनता है, यहाँ पे रखते हैं धान चावल, ऐसा गोल से बनाते हैं, ऊपर से ऐसा रखते हैं, ये चावल रखने की जगह। मेरी मौसी जी को हिंदी बोलना नहीं आती, भी हिंदी बोल रही है। हिंदी बोलना नहीं आता। ये है फूल की, हिंदी बोलते आए करे छबूत। ये फूल है गाइस, इसको तोड़ के भगवान की पूजा होती है, भगवान पूजा होती है। मौसी बहुत हंसती है, बहुत मजा लेती है मेरी, बट कोई नहीं गाइस, मेरी बहुत याद है गाइस, आपको दिखाऊंगा। मतलब दूसरे मौसी घर में भी बहुत सारी यादें, वहाँ पे भी मैं बहुत इंजॉय किया करता था बचपन में, बचपन की यादें, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाता। सो देखो गाइस, ये है गाय के खाने का खाना जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके खिलाया जाता है। सो गाइज, आई होप सो आपको ये आरुक का बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे जो एक सॉन्ग है, तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा। और सच में मतलब ही वीडियो देखने के बाद कुछ मेरी अंदर की यादें भी बहुत ताजा हो गई। सो यस, थैंक यू सो मच गॉड की आरु जैसा मुझे पार्टनर मिला, तो मैं हर मतलब भगवान से दुआ करूंगा कि हर किसी को आरु जैसा ही पार्टनर मिले। और यस, आज का वीडियो मैं एंड करने वाला हूँ। सो आपको यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलेंगे फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग के साथ, तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।